रोटरी क्लब के इस शानदार कार्यक्रम में उपस्थित होकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम के हीरो को हूं, जो नए प्रेसिडेंट हमारे मुकेश मोदी जी सामने आए हैं, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। कमलेश मेहता जी पास्ट गवर्नर रहे हैं, इन्होंने कार्यक्रम के शुभारंभ में दो बातें कही थी कि रोटरी क्लब वो राजनीतिक मंच भी नहीं है और धार्मिक भी नहीं है। मैं इनकी एक बात से सहमत हूं, अगर राजनीति नहीं खेली जा रही है तो ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं ये स्वीकार करता हूं। किंतु मेरा यह मानना है कि रोटरी क्लब केवल धार्मिक ही नहीं, महाधार्मिक इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी समझ में मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और वो धर्म रोटरी क्लब करता है। रोटरी क्लब ने अब तक लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी के अंदर नई रोशनी पैदा की है और मैं समझता हूं नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसलिए हाँ, ये कह सकता हूं कि रोटरी क्लब सांप्रदायिक नहीं है किंतु वह धार्मिक है। बल्कि मैं तो इस मंच से ये कहना चाहूंगा, धर्म गुरुओं को भी आह्वान करना चाहता हूं, आज अगर किसी चीज की अपेक्षा है तो वह अपेक्षा है धर्म को समाज सेवा से जोड़ा जाए, धर्म को सामाजिक कुरीतियों का निवारण का माध्यम बनाया जाए, धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए और धर्म को विज्ञान से जोड़ करके इसको मानवता के हित और कल्याण का एक साधन बनाया जाए। बंधुओं और बहनों, प्रारंभ के अंदर हमारे रिलीजियस बंधु ने यहां पर प्रार्थना प्रस्तुत की, उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात कही। मैं उन्हीं के स्वर को आगे बढ़ाते हुए बात को खत्म करता हूं। कमलेश जी ने दो शब्द और कहे थे, एक कहा था ये फ्रेंडशिप और फेलोशिप की बात, सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम मध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधात देव। इस संस्कृत के श्लोक में कहा गया, मैं सरल भाषा में आपको बताना चाहूंगा, सत्वेषु मैत्री फेलोशिप की जो बात कही कमलेश जी ने, सत्वेषु मैत्री रोटरियन का काम है कि सबके साथ मैत्री का, बंधुत्व का, भाईचारे के संदेश को आगे बढ़ाए। क्लिष्ट सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम, और जो गुणी लोग हैं, जो श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं उनका सम्मान करना, उनका अप्रिसिएशन करना। मैं समझता हूं आज के कार्यक्रम में भी अगर आधे से अधिक समय अगर किसी बात के लिए निकला हो तो वो था औरों का सम्मान करना। इसलिए फिर कह रहा हूं कि रोटरी इस श्लोक को जीती है, सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परमत्वम। जो संकट में है, जो कष्ट में है, जो पीड़ा में है, जो वेदना में है, उनकी कैसे सहायता करना, और इसका काम भी बखूबी से रोटरी क्लब करती है। सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परमत्वम मध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तो। अगर हमारा कोई विरोधी भी है तो उसके प्रति जो है मध्यस्थ भावना, उपेक्षा की भावना, और उसी के साथ कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं जठर अग्नि और क्रोधाग्नि का बड़ा गहरा संबंध है, और घड़ी के अंदर सूर्या जब 9 बजे से पार कर गया हो, ऐसे के अंदर मुझे अधिक समय नहीं लेना चाहिए। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आज आपने जो सम्मान दिया, इस सम्मान के साथ अहिंसा विश्व भारती जो मेरी संस्था है उसका और अधिक दायित्व बढ़ जाता है। मैं स्वयं भी इसके प्रति और जागरूक होकर के किस तरह से हम सब मिलकर के मानवता की सेवा करें, और रोटरियन जो सचमुच में ही काम कर रहा है, मैं इनके सम्मान में, आप सबके सम्मान में 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आप निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं मुकेश मोदी जी, मैं इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं। और ये भी कहना चाहूंगा कि इतिहास के कांच के टुकड़ों का नहीं उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं फौलादी पीरों का बनता है। अरे सम्रांगणों या हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं ऐसे रोटेरियन जैसे वीरों का बनता है। और इसी के साथ आपको आह्वान कर रहा हूं, अहिंसा विश्व भारती और रोटरी क्लब मिलकर के ऐसा कार्य करे। मैं जिस भारत देश से आया हूं,
अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है। सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, उस बहुलतावादी संस्कृति को कैसे हम आगे बढ़ाएं और साथ मिलकर के अहिंसा विश्व भारती और रोटरी कैसे कार्य करें, जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो अपेक्षा मंद लोग हैं, उन तक हम सेवा के कामों को कैसे आगे बढ़ाएं। तो अपनी बात को खत्म यही कर रहा हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें। यो तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। अंत में, क्योंकि आपने मुझे सम्मानित किया, मैं जानता हूं ट्रॉफी तो कप्तान को मिलती है, किंतु मैच को कब जीता जाता है, कोई फील्डिंग करता है, कोई बॉलिंग करता है, कोई बैटिंग करता है, कोई कैच लेता है, तब जाकर के कप्तान को ट्रॉफी मिलती है। आज अहिंसा विश्व भारती के फाउंडर मेंबर यहां उपस्थित है, प्रतीक के रूप में मैंने अकेले ट्रॉफी ली। मैं सिर्फ एक मिनट में उन्हें आमंत्रित करूंगा, मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रमेश तिवारी जी, हमारे फाउंडर मेंबर कमलेश मेहता जी, डॉक्टर राज भयानी जी, बिपिन सांगनकर जी, देवेंद्र वोरा जी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मैं अकेला इस टॉपिक को लूं। आप सब मिलकर के, आपके कारण से ही ये सम्मान मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ हूं, channel and press the bell icon for more updates.